नमस्कार, आज हम आपको सीटी और पीटी ट्रांसफार्मर के बीच का अंतर बताएंगे। हम आपको टोटल 17 डिफरेंसेस बताएंगे। अब पहला है, जो सीटी है वो करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। जो पीटी है वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पी से पोटेंशियल। ये वोल्टेज डिफरेंस मेजर करता है। इसको वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कभी कभी कहते हैं। दूसरा अंतर है सिंबल का। सीटी का सिंबल ये है और पीटी का सिंबल ये है। ये जो आप डॉट देख रहे हैं ना यहाँ और यहाँ, ये पोलरिटी मार्किंग है। यहाँ पे प्राइमरी करंट बहेगी और इस वाइंडिंग में सेकेंडरी। वैसे तो सीटी का सिंबल ऐसा दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी यूज होता है। ये दोनों आप देखिए कि एक ही जैसे लग रहे हैं। अभी जो हम आगे ड्राइंग दिखाएंगे उसमें हम ऐसा ही यूज करेंगे। अब तीसरा अंतर है, जो सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग है वो लोड के सीरीज में कनेक्ट होती है। देखिए इस सर्किट में, देखिए ये एसी सप्लाई है, ये लोड है और ये इस सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग है, तो ये इस लोड के सीरीज में कनेक्ट है और करंट ऐसे बहेगी, ऐसे। तो ये दोनों सीरीज में है ना। जो पीटी है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग, जो हम वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं उसके पैरेलल में कनेक्ट होती है। मान लीजिए इस पॉइंट का वोल्टेज हमें मेजर करना है इसके अक्रॉस, तो इसके पैरेलल में ये पीटी लगा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि ये पीटी हमने लोड में लगाया है, लोड के अक्रॉस लगाया है। लोड के अक्रॉस ले लगाया है क्योंकि लोड के अक्रॉस वोल्टेज हमें मेजर करना है। अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पैरेलल में आ जाएंगे, तो प्राइमरी हमेशा वहाँ कनेक्ट होगी जो वोल्टेज आपको मेजर करना है। मगर अधिकतर लोड के अक्रॉस ही वोल्टेज मेजर करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा दिखाया है। आप मान लीजिए यहाँ पे एक रजिस्टर या कुछ लगा है और हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज पता लगाना है, तो ये जो पीटी होगा वो हम इसके अक्रॉस लगाएंगे। तो जो भी वोल्टेज पता लगाना हो उसके पैरेलल में लगाते हैं। अगर ये वोल्टेज पता लगाना है तो इसके पैरेलल में लगेगा पीटी, अगर ये वोल्टेज पता लगाना है तो इसके पैरेलल में लगेगा। अब जो चौथा अंतर है, सीटी में करंट को स्टेप डाउन करते हैं, पीटी में वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। अब पांचवा अंतर है, सीटी में जो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न होते हैं वो सेकेंडरी से कम होते हैं, पीटी में प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी से, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं और यहाँ पर करंट को स्टेप डाउन करते हैं। अब छठा है, बार टाइप सीटी मे हैव नो प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ हमने बार टाइप सीटी दिखाया है, उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो एक बस बार है, टर्मिनल P1 और P2, और ये रेड वाला सेकेंडरी वाइंडिंग है, टर्मिनल S1 और S2। तो इसमें दोनों हैं, प्राइमरी बस बार भी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी। मगर कभी कभी क्या होता है कि ये वाली बार नहीं होती, खाली सेकेंडरी कॉयल होती है। तो जिस केबल का करंट हमें मेजर करना होता है
वो इस कोर के अंदर से जाती है और वो केवल ही प्राइमरी बजवार का काम करती है। तो कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, लेकिन जो पीटी है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग जरूर होती है। अब सातवां डिफरेंस है कि वोल्टेज एक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग विल बी लो। ये जो सीटी है इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो इसके एक्रॉस जो वोल्टेज होता है बहुत थोड़ा होता है, फ्यू वोल्ट्स। लेकिन पीटी के केस में फुल इनपुट वोल्टेज आता है प्राइमरी वाइंडिंग के एक्रॉस। देखिए पीटी है, पीटी की ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो यहाँ पे फुल वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे करंट बह रही है ना, तो यहाँ जो ड्राफ होगा इस लोड की वजह से खाली उतना वोल्टेज आएगा। अब आठवां अंतर है, जो सीटी है उसके आउटपुट को ओपन नहीं रख सकते, मगर पीटी के केस में आउटपुट को ओपन रख सकते हैं। मगर कभी कभी रेयर केस में बहुत कम ऐसा होता है कि इस सीटी के आउटपुट को ओपन भी रखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे और कहाँ। ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो बहुत एक्सक्लूसिव है, एक विशेष उपयोग में यूज किया है। देखिए यहाँ पर हमने एक सीटी दिखाया है जिसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और इसमें तीन सेकेंडरी वाइंडिंग है, 1 2 3। इसको हमने ओपन रखा है, यहाँ करंट बह रही है, जब यहाँ करंट बहेगी तो यहाँ भी करंट बहेगी, यहाँ भी करंट बहेगी। यहाँ पे हमने लोड लगाया है और यहाँ पे हम कंट्रोल सर्किट रखते हैं। क्या होता है, जो सीटी की सेकेंडरी हैं उनमें वोल्टेज एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर एक वाइंडिंग में लोड लगा है तो जो वोल्टेज यहाँ होगा उस हिसाब से वोल्टेज यहाँ आता है, यहाँ ज़्यादा नहीं आता तो इसको हम ओपन रख सकते हैं। और यहाँ के वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि तीनों आउटपुट का जो वोल्टेज है इंटर रिलेटेड होता है। ये बहुत एक्सक्लूसिव यूज है और बहुत कम जगह यूज होता है, हमने यूज किया है अपने एक प्रोजेक्ट में। ये वाइंडिंग ओपन होने में सीटी को कुछ नहीं होगा, ये काम करता है। अब जो नवा है डिफरेंस, जो सीटी है उसका आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रूफ होता है। देखिए ये सीटी है ना, आउटपुट में हमने लोड लगा रखा है, अगर यहाँ पे आप शॉर्ट कर दें तो कुछ नहीं होगा, इसको यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी वोल्टेज जीरो हो जाएगा। लेकिन जो पीटी है उसका आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रूफ नहीं होता, अगर पीटी में आपने यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये जल जाएगा। अब दसवां डिफरेंस है, सीटी में जो रजिस्टिव लोड है जो ये हमने लगा रखा है, अगर हाई है तो सेफ नहीं है, लो है तो सेफ है। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है हाई नहीं लगा सकते, लो है तो सेफ है। पीटी के केस में इसका उल्टा है, जो यहाँ पे लोड लगाते हैं वो हाई रेजिस्टेंस सेफ है, लो सेफ नहीं है, अनसेफ है। ये जो हमने हाई और लो बताया है यहाँ और यहाँ, वो सीटी और पीटी के रेटिंग के हिसाब से हमने बताया है। अब 11वां डिफरेंस है, जो सीटी का इम्पीडेंस होता है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती कुछ खास, लेकिन पीटी के केस में जो इम्पीडेंस होता है पीटी का उसकी इम्पोर्टेंस होती है। आपके पास मैटलैब है या कोई और सॉफ्टवेयर, तो वहाँ इम्पीडेंस का इफेक्ट सीटी और पीटी दोनों में देखिए, आपको पता चलेगा। अब 12वां अंतर है,
जो सीटी में आउटपुट होता है वो मोस्टली एक होता है। अभी जो हमने दिखाया तीन आउटपुट का, वो बहुत रेयर केस है, अधिकतर एक ही आउटपुट होता है। पीटी के केस में बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर है 1, 2, 3, प्राइमरी एक है, सेकेंडरी तीन है, तो तीन आउटपुट्स हैं। अब 13वां अंतर है, जो सीटी है उसका लोड या बर्डन चेंज होने से आउटपुट काफ़ी चेंज होता है। देखिए सीटी में ये लोड लगा है, या इसको बर्डन भी बोलते हैं। यहाँ पे करंट कुछ होती है, उसी हिसाब से यहाँ पे करंट आती है, और ये करंट और ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे वोल्टेज आता है। तो अगर आप ये आर चेंज करेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज चेंज होगा, चेंज टू मच। पीटी के केस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे चेंज कर दो आप लोड, तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज नहीं होगा पीटी के आउटपुट में, क्योंकि ये वोल्टेज इस वोल्टेज के रेशियो में होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो वोल्टेज आता है करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन से आता है। तो आर चेंज करेंगे तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, इसीलिए लिखा है हमने आउटपुट वोल्टेज चेंज वेरी लिटिल विद चेंज इन लोड और बर्डन। वेरी लिटिल हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इसका कुछ इम्पिडेंस होता है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा अंतर आ सकता है। अब 14th डिफरेंस है, जो सीटी डिजाइन करते हैं वो इनपुट करंट की वाइड वेरिएशन के लिए करते हैं। इसका क्या मतलब है, ये जो सीटी है उसकी ये जो प्राइमरी करंट है वो इनपुट करंट होती है, और ये करंट डिपेंड करती है लोड पर। अगर लोड नहीं लगा है तो यहाँ पे करंट करीब करीब जीरो होगी। लोड जैसे से बढ़ेगा यहाँ पे करंट बढ़ेगी, फुल लोड पर करंट बहुत ज़्यादा होगी। तो सीटी की जो प्राइमरी करंट है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सीटी उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। पीटी के केस में जो इनपुट वोल्टेज है उसमें लिमिटेड वेरिएशन होता है। ये पीटी का इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे वेरिएशन लिमिटेड होगा ना, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%, यहाँ की तरह पूरा वेरिएशन तो नहीं होगा ना। यहाँ आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1000 एम्पीयर का सीटी लें, तो जो इनपुट करंट है वो वेरी होगी 0 से 10,000 तक, 10,000 एम्पीयर। 0 का मतलब लोड नहीं है, 10,000 कहाँ से आ गया ये अभी आगे आपको पता चलेगा। अब 15वां डिफरेंस है, सीटी के केस में सिस्टम शॉर्ट सर्किट करंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सीटी डिजाइन करने के लिए। पीटी के केस में सिस्टम शॉर्ट सर्किट करंट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, उसकी इम्पॉर्टेंस कम होती है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब 16वां डिफरेंस है, जो सीटी है वो हाई शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग के लिए डिजाइन होता है। हाई शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किट हो, करंट ज़्यादा हो मगर थोड़े समय के लिए हो, उसको बोलते हैं हाई शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो जब यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा यहाँ पर, तो बहुत हैवी करंट बहेगी और थोड़ी देर के लिए बहेगी, क्योंकि जैसे ही हैवी करंट बहेगी कुछ प्रोटेक्शन ऑपरेट करेंगे और ब्रेकर ओपन हो जाता है। तो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है शॉर्ट टाइम के लिए बहती है, उतनी देर के लिए ये सीटी करंट को ले जाना चाहिए, ये फेल नहीं होना चाहिए। पीटी के केस में ऐसा नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट है तो पीटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे बस वोल्टेज जीरो हो जाएगा। आप अगर ये सीटी 1000 एम्पियर का है
तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से 10,000 एम्पियर तक करंट बह सकती है। ये सिटी फेल नहीं होना चाहिए फॉर फ्यू सेकेंड। ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है थोड़ी देर के लिए बहती है। अब आपको पता चला कि ये 10,000 एम्पियर करंट कहाँ से आई, ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आई। अब जो 17वां डिफरेंस है सीटी के केस में, डिफिकल्ट टू मेंटेन एक्यूरेसी फॉर इनपुट करंट वेरिएशन। अभी हमने बताया ना यहाँ पे जो करंट है वेरी होती है लोड के हिसाब से, तो एक्यूरेसी रखना बड़ा मुश्किल होता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि करंट रेशियो बना रहे। अगर यहाँ 100 एम्पियर पे सेकेंडरी में 1 एम्पियर आ रही है तो प्राइमरी में करंट डबल होने पर सेकेंडरी में भी डबल हो जाए। ये नहीं कि 1.9 टाइम्स या 2.1 हो गई, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी, या कितनी एक्यूरेट रहेगी 1%, 2%, 3%। वो मुश्किल होता है क्योंकि इसको बहुत रेंज के लिए डिजाइन करना पड़ता है। पीटी के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि इनपुट में वोल्टेज वेरिएशन बहुत कम होता है, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 20%, तो एक्यूरेसी की उतनी प्रॉब्लम नहीं है। आपने कॉलेज में पढ़ा होगा कि टर्न रेशियो बराबर होता है वोल्टेज रेशियो, ठीक है ना? वो फार्मूला सही है लेकिन वो आइडियल कंडीशन के लिए है। जब आप ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी और जो आउटपुट है वो टर्न रेशियो को एकदम फॉलो नहीं करेगा, उसमें एरर आएगी। तो जो कॉलेज में आपको पढ़ाते हैं आपको कंसेप्ट के लिए पढ़ाते हैं, ये नहीं कि वो रेशियो सीख लिया और आपने ट्रांसफार्मर बना दिया। आपको आगे काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।